So guys, how to earn millions from Facebook marketing? Yes guys, आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि आप कैसे millions earn कर सकते हैं Facebook marketing से और क्या trending चीजें हैं जिन पे मैं आपको challenge कर रहा हूँ. I am challenging you. You can earn millions dollar from Facebook in this year in 2019. It's insane and it's reality. But कैसे, क्या और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपका वाई क्लियर है तो यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड इन योर लाइफ. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसपे मैं आपको पूरा चैलेंज कर पा रहा हूँ और आपको मैं बता पा रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो. तो सबसे पहले और सबसे लास्ट तीन चीज अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि आने वाला है IPL. लास्ट अपॉर्चुनिटी ये होगी आपके पास कि आने वाला है 2019 वोटिंग इलेक्शन, और उसके बीच में पड़ने वाली है बहुत बड़ी चीज, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड कप 2019. गाइज, आपको पता होगा कि इंडिया में खेलों का क्रेज बहुत ज्यादा है और उसमें क्रिकेट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है. पर इससे हम पैसा कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. बिलीव में आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो बस ये कुछ छोटी मोटी टैक्टिक्स का यूज़ करके, और काफ़ी अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपना फोकस ले जाते हो पैसे अर्निंग करने में और थोड़ा सा काम करते हो तो. तो हाउ टू अर्न मिलियन डॉलर फ्रॉम फेसबुक मार्केटिंग और फेसबुक, ये तो हम बात कर ही रहे हैं. लेकिन गाइस, एक चीज़ और आपको देखनी है, वो है हमारी पहली वीडियो जो इससे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को दिया था, आप लोगों के लिए बनाया था, दैट इज कॉल्ड हाउ टू सेल ऑन फेसबुक. तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर आप नए हो चैनल के लिए उस वीडियो को भी जाके देख लो, और प्लीज़ अगर नए हो तो समझ गए होगे, उस बटन को क्लिक करना है और बेल का आइकन दबा देना है, और प्लीज़ गाइस लाइक करो. आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने में, जिससे आपको हेल्प हो सके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने में. और इट्स वेरी वेरी इजी एज यू, और मैं सारी चीज़ें आपको सिंपल बताने की पूरी कोशिश करता हूँ. तो तीन इवेंट आपको मैंने बताया, IPL और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप एंड थर्ड इलेक्शन. तो इन तीनों में सबसे जो पहली चीज़ है पैसा बनाने के लिए, उसमें आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉग राइटिंग. ब्लॉग राइटिंग इट्स नॉट मीन कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाना है, ठीक है. आप blogger.com को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट लिखने में है और आपका माइंड क्रिएटिव है, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखने में ही भर दो, आप फोटोज़ को भी रैंक करा के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो. लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ आपको अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए टाइम नहीं है. अगर आप एडसन के साथ जाते हो तो एडसन, आई थिंक मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा मत जाओ. तो ऐसी कोई चीज़ चुनो जिसको आप वहाँ पर सेल कर सकते हो. सेल क्या कर सकते हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें वहाँ पर सेल हो सकती हैं वो चीज़ को वहाँ लिस्ट करो. वो भी मैं बता देता हूँ क्या क्या सेल होता है, ठीक है. स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आप सेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें गाइस, कोई भी फ्रेंचाइजी कुछ भी आप सेल कर सकते हो स्पोर्ट्स में, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का कोई गैजेट हो, चाहे वो कुछ भी हो गाइस, आप वहाँ सेल कर सकते हो. लेकिन इन इलेक्शन आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते. लेकिन इलेक्शन में भी आप अलग से अपनी टी शर्ट डिज़ाइन करवा सकते हो किसी भी पार्टी के ऊपर, ठीक है. आप बीजेपी और कांग्रेस को ज़्यादा टारगेट करो, मोस्ट ऑफ बीजेपी को टारगेट करो. क्यों? क्योंकि बीजेपी गाइस अभी अपने आप को लीड में रखना चाहती है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगी. तो अगर आप ऐसा कुछ बीजेपी के लिए क्रिएट कर दो तो 100% आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मिलेगी, और हो सकता है बहुत ज़्यादा आप अर्निंग कर लो. क्यों? क्योंकि गाइस बीजेपी एक लीडिंग पार्टी है, और वो अपने आप को लीड में ही रखना चाहेगी, ठीक है. तो अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा क्रिएट करते हो, 100% चांस है कि वो आपके वेबसाइट पर आएंगे और वो आपसे ख़रीदना चाहेंगे. तो उनको आप टारगेट कर सकते हो ऑन फेसबुक. मैं सिर्फ फेसबुक की बात कर रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको पता है फेसबुक पे सारी राजनीति आजकल होती है. तो आप फेसबुक को जाकर बहुत अच्छा टारगेट कर सकते हो और फेसबुक पे काम कर सकते हो चुनाव के लिए, क्रिकेट के लिए, ठीक है. क्रिकेट में अब मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे एक्टिव ग्रुप्स हैं, ठीक है. और आप क्रिकेट में टारगेटिंग का बहुत सारा तरीका है, ठीक है.
फर्स्ट तरीका यह है कि अगर आप आईपीएल का टारगेट करो तो वहाँ 8-10 टीम होती हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हो। अब 8-10 टीम में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक धोनी, विराट कोहली, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट लेवल पे है। यहाँ पर लोग मरते हैं इनके फैन फॉलोइंग में, आप इनको कुछ भी सेल कर सकते हो, बिलीव मी। लास्ट ईयर मैंने किया है, जैसे कि आपको पता होगा मैं एक पेज हैंडल करता हूँ जो मेरा खुद का है, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा खुद का पेज है, तो मैं उस पेज में लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत काम किया और ऑर्गेनिक रीच मैंने कैसे उसमें बढ़ाई और कैसे अर्न किया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हम लोगों ने अर्निंग किया, वो भी हम लोगों ने सिर्फ 1 से 1.5 महीने में वो सारा काम कर डाला था और वहाँ से मैं अर्निंग किया था। हम लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरा एक फ्रेंड था जो बैकएंड पे पूरी पोस्टिंग करता था और जो पूरी स्ट्रेटजी और लोगों को कैसे कैप्चर करना है वो सारे काम मैं करता था। तो वहाँ से ही मैं ये आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ कि 3 इवेंट है, आप ब्लॉग से स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा आप फेसबुक पे इसकी मार्केटिंग जाके कर सकते हो। फेसबुक मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि आप ब्लॉग भी करो, आप फेसबुक मार्केटिंग भी कर सकते हो। देखो दो तरीके, एक फेसबुक पेज और दूसरा फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप, अगर आपको फेसबुक ग्रुप से ग्रोथ लेना है तो मेरे पास एक ग्रुप है जिसका मैं नाम चेंज कर दूंगा और उसको हम बना देंगे क्रिकेट ग्रुप। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो कि आपको हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से हेल्प कर सकता हूँ, और दूसरा मेरे पास पेज है ही, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, नहीं तो आप अपना ग्रुप और फेसबुक पेज जोन बना सकते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप फेसबुक पेज के साथ ना जाके फेसबुक ग्रुप के साथ जाओ, क्योंकि ग्रुप में आप बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि वो भी फ्रेंड्स को ऐड करें, कुछ बोनसेस दे दो, कुछ गिव अवे दे दो, उससे क्या होगा लोग आपके ग्रुप में तेज़ी से आएंगे। गाइस बिलीव मी, बहुत ज़्यादा क्रेज होता है आईपीएल एंड वर्ल्ड कप का, और वोटिंग का तो आप जानते हो, मतलब ये 3 जो बड़े इवेंट्स हैं आप इसे बहुत पैसा बना सकते हो। और अभी 1-2 महीना इनका मतलब बाकी है जहाँ आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, और यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। इवन मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं देता कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं कर सकता हूँ, रिस्क मैं ले सकता हूँ, आप लोगों को रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा, जो चीज़ मैंने अप्लाई की है बस वो आपको अप्लाई करने के लिए बोलूँगा। तो यहाँ आप जाके बहुत सारे गैजेट सेल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप फेसबुक पे ग्रुप में पेज में आप टी शर्ट्स, हुडीज, ठीक है, क्रिकेटर्स के फोटोज जिनके उनके बैक एंड पे आप मतलब अपने जो टी शर्ट्स होती है वहाँ लगवा के प्रिंट प्रिंट के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनपे आप अपना खुद जाके डिज़ाइन कर सकते हो, या एफिलेट ले सकते हो, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, पेटीएम मॉल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एफिलेट का मौका देती है, तो उनके भी गैजेट्स आप बेच सकते हो। मतलब यहाँ आपको ट्रैफिक लाना बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो अभी मरेंगे आपके ग्रुप में आने के लिए, ठीक है, ये पूरा ट्रेंडिंग सेक्शन है, यहाँ आप कुछ भी सेल कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप ब्लॉग में जाते हो तो ब्लॉग में आपका अगर रैंकिंग हो गया तो माय गॉड, यू आर गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी, क्योंकि अगर वो रैंकिंग हो गया तो वो पूरा रैंक रहेगा। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से अभी मतलब लास्ट ईयर से इसके लिए काम करने लगे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हो, बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो, तो वो लास्ट ईयर से ही लगे होंगे। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है गाइस, बिलीव मी, अगर आप फोकस के साथ सही कॉपीराइटिंग से लिखते हो ब्लॉग को, या सही कॉपीराइटिंग से अपने पूरा फेसबुक को, पेज को और ग्रुप को मेंटेन करते हो, तो अभी भी आप टॉप पे जा सकते हो। सेलिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन गाइस चुनाव को भी कैप्चर करना, वहाँ आप लोगों के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, ठीक है, आप लोगों के लिए पोस्टर बना सकते हो, इवन आप उनको सेल कर सकते हो। आप बीजेपी का या किसी भी बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसी का भी कोई भी उनका एक पर्टिकुलर पेज रहता है, तो आप उनके लिए चीज़ें बना के उनको सेल कर सकते हो, और इजी वो चीज़ खरीदेंगे गाइस, बिलीव मी। आप देखना उनको ऑफर देके देखना, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, आप उनको ऑफर देके देखना, बोला सर मैंने आपके लिए ये चीज़ें बनाई हैं, क्या आप खरीदना चाहते हैं, 100% वो आपको पैसा देने में तैयार देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल कामचोर होते हैं और वो चाहते ही हैं कि कैसे ना कैसे काम निकल जाए, तो वो पैसे देने के बिल्कुल तैयार हैं, बस उनको अच्छी चीज़ें आप देना। और प्लस आप
सेल कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेल कर सकते हो। लाइक आप कोई भी पोस्टर्स बना के किसी क्या बोलते हैं अपने टी शर्ट वर्ट पर लगवा दो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पे आप जाके लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। तो वहाँ पंजा का टी शर्ट, कमल का, झाड़ू का, ये सब बना के आप उनको लिस्ट कर सकते हो अपने ग्रुप में, वेबसाइट में। वहाँ क्या होगा, लोग आएंगे और उसको परचेस करेंगे 100%, क्योंकि चुनाव उनको जुनून होता है कि उनको जीतना है या नहीं जीतना है। तो उस जुनून का, उस लॉजिक का आप यूज़ करके चीज़ों को सेल कर सकते हो। अगर ये तीन आइडिया आप सही से अप्लाई करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।